पीछे रहो ना, पीछे रहो, पीछे रहो उस साइड में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है और मैं आपको फायर के बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जो हमारे पास अवेलेबल है। कितने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे पास? तीन प्रकार के हैं जिससे हम लोग आग बुझा सकते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि आग कैसे लगती है, किन चीज़ों से आग लगती है, किन चीज़ें एक साथ आती है तब आग लगती है। कौन बताएगा इसमें से, कौन बताएगा आग कौन से तीन चीज़ों से, तीन चीज़ें जब एक साथ आती है तब आग लगती है? हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल। हाँ, हीट, ऑक्सीजन, हीट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्यूल। जोर से बोलो, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीज़ें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। अब आप अभी आप बताओगे मुझे हीट क्या है? हीट यानी गर्मी, बराबर। उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CO2 नहीं होता, ऑक्सीजन हवा, जिसके वजह से आग को बढ़ावा मिलता है, बराबर कि नहीं? ऑक्सीजन। उसके बाद में फ्यूल, फ्यूल क्या क्या है यहाँ पे? फ्यूल क्या क्या है, जैसे कि क्लासेस ऑफ फायर होते हैं, क्या होते हैं? क्लासेस ऑफ फायर, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास। यानी क्लासेस ऑफ फायर का मतलब, अभी ए क्लास ऑफ फायर में लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग, ये सब ए क्लासेस ऑफ फायर, यानी जनरल फायर। क्या बोलते हैं उसको? जनरल फायर। क्या बोलते हैं? जनरल फायर, यानी साधारण आग। साधारण आग हम लोग किससे बुझा सकते हैं? पानी से भी हम लोग उसको बुझा सकते हैं, बराबर। तो ये हो गया साधारण आग। अभी साधारण आग एक क्लास ऑफ फायर आता है, बराबर। हमारे यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर लिखा है, यहाँ पे है, जो यहाँ पे लिखा है ए क्लास, यानी ए क्लासेस ऑफ फायर के लिए हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर है। यानी हम लोग इसको ए क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से हम उसको आग को बुझा सकते हैं, बराबर। ए क्लास ऑफ फायर समझे आप सब लोग? ए क्लास ऑफ फायर मतलब जनरल फायर, साधारण आग, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग और ऊड को लगी हुई आग, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, फैब्रिक कपड़े इसको लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग, कचरे को लगी हुई आग, ये सब साधारण आग हो गई, जिसको केमिकल, जिसमें केमिकल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्लास है हमारा बी क्लास ऑफ फायर। कौन सा है? बी क्लास ऑफ फायर। अभी यहाँ पे लिखा है हमारे पास बी क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो है, वो क्लासेस ऑफ फायर को हम लोग वो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। बी क्लास ऑफ फायर यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग, यानी लिक्विड फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लिक्विड फायर, यानी पेट्रोल ये लिक्विड हुआ, केरोसिन लिक्विड हुआ, डीजल लिक्विड हुआ, बराबर। फिर बाद में थिनर आता है जो पेंटिंग में यूज़ किया जाता है, उसको भी अगर यूज़ करते हैं तो भी आग लग सकती है। और उसको बुझाने के लिए हमारे पास ये बीसी का फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें पाउडर है, और ये भी बीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है बी क्लास, समझ गए। उसके बाद में और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे पास? कौन सा क्लास है बी के बाद? सी क्लास। सी क्लास यानी गैस को लगी हुई आग, बराबर कि नहीं? जो गैस होते हैं हमारे घर में भी गैस होता है, बराबर, HP LP कंपनी के जो गैस होते हैं, उसको भी अगर आग लगती है तो भी हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर से हम उसको बुझा सकते हैं। फिर बाद में आया है डी क्लास। कौन सा डी क्लास? यानी मेटल फायर। कौन सा फायर? डी क्लास यानी धातु को लगी हुई आग, यानी मेटल फायर, समझ गए। तो डी क्लास ऑफ फायर के लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा यूज़ करेंगे? ड्राई केमिकल पाउडर को हम लोग यूज़ करेंगे, बराबर। उसके बाद में कौन सा क्लास आता है? ई क्लास यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। अभी इलेक्ट्रिसिटी फायर आपको मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी फायर कब आग लगती है? जब ओवरलोड होता है, केबल गर्म हो जाती है,
लूज कनेक्शन रहेगा तो होता है, बराबर की नहीं? शॉर्ट सर्किट तभी होता है, लूज कनेक्शन जब रहता है तो वहाँ पे चिंगारी, क्योंकि सप्लाई चालू रहता है और वो लोग सप्लाई ढूंढता है, जैसे लूज रहेगा तो वो सप्लाई ढूंढने के लिए जाता है और फिर बाद में सप्लाई उसको टच नहीं होता है, इसके लिए वो चिंगारी छोड़ देता है। चिंगारी कहाँ पे आती है? फेज, एक रहता है फेज जिसमें हम लोग टेस्टर डालते तब करंट आता है, यानी जो मेन सप्लाई रहता है। फिर बाद में दूसरा रहता है, एक ब्लैक कलर का वायर रहता है, वो न्यूट्रल रहता है, और एक रहता है अर्थिंग रहता है। अगर अर्थिंग नहीं मिला तो भी अपने को क्या लगता है? शॉक लगता है। तो इसके लिए ये तीन चीज़ें हैं, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। तो फेज में सप्लाई आता है और फेज की अगर वायर अगर लीक रहेगी तो फेज में से करंट आ जाएगा, सब यानी चिंगारी आएगी। और चिंगारी कहाँ जाएगी? वो चिंगारी उसको वायर को जला देगी, उसको स्लीव्स जो रहते हैं उसको जलाते हैं। उसके बाद में वो जलने के बाद जलते जलते यानी चिंगारी छोड़ते और दूसरा एक वायर है न्यूट्रल, वो न्यूट्रल वायर क्या करता है? न्यूट्रल वायर और वो फेज को टच होने के बाद फिर बाद में शॉर्ट सर्किट होता है, यानी आग लगती, यानी धमाका होता है। अगर हमारे पास जो मेन सप्लाई रहता है, आपको मालूम है मेन सप्लाई MCB बोलते हैं उसको, अभी ऐसा है कि एक RCC भी है जो अगर हम लोग लगाते हैं तो कम से कम अर्थिंग भी नहीं मिला ना तो क्या होता है? वो ट्रिप हो जाता है, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ कहीं पे भी तो क्या करता है? वो मेन सप्लाई बंद कर देता है। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो मेन सप्लाई हमेशा बंद होना चाहिए। अगर मेन सप्लाई अगर बंद नहीं होता है तो क्या होता है? आग लगती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। अगर मेन सप्लाई बंद हुआ तो क्या जलेगा? उसको फ्यूल नहीं मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो फ्यूल नहीं मिलेगा, तो जलेगा क्या? जलेगा वो एक साधारण आग जैसा होता है, जलेगा तो क्या जलेगा? इलेक्ट्रिसिटी की वायर के ऊपर जो प्लास्टिक रहता है, हाँ वो प्लास्टिक कवर रहता है, वो जलेगा, वो धीरे धीरे जलेगा, उसका फास्ट जलना नहीं रहेगा, धीरे धीरे थोड़ा दूर फेंकेगा धुआं हो जाएगा। मगर अगर RCC भी अगर रखते हैं तो क्या होगा? वो काम का चीज़ है जिससे सप्लाई बंद हो जाएगा और हम लोग फिर बाद में आग बुझाने के लिए तैयार रहेंगे। बराबर आपको समझ में आया इलेक्ट्रिसिटी फायर यानी E-क्लास। बराबर E-क्लास के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। कौन सा? ये कार्बन डाइऑक्साइड है फायर एक्सटिंग्विशर। अभी आग जब लगती है तब हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है। तो वैसे ये BC के लिए साधारण आग की ज़रूरत नहीं है, ये BC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है और ये ABC टाइप है, यानी सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादा से इलेक्ट्रिसिटी और लिक्विड फायर के लिए हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका मेथड है, कौन सा मेथड है फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने के लिए? कौन सा मेथड है हम लोग? हाँ, पास का मेथड। कौन सा मेथड है? पास का, यानी PAWS, समझ गए? PAWS यानी P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। पहले हम लोग क्या करेंगे? अगर ये सील है सील को तोड़ेंगे, ये सील को तोड़ने के बाद तभी उसके बाद में हम पिन निकाल सकते हैं, बराबर कि नहीं? क्योंकि ये पिन को लगाया हुआ रहता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सील को तोड़ेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे? पुल द सेफ्टी पिन। ये पिन को क्या करेंगे? हम लोग निकाल देंगे, बराबर। पुल द, जोर से बोलो, पुल द सेफ्टी पिन, समझ गए? उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? दूसरा अल्फाबेट क्या है? A for aim the base of fire। अभी ये मैंने aim किया, क्या किया? aim क्या करूँगा मैं? जहाँ पे आग लगी है उसको हम लोग क्या करेंगे? निशाना लगाएंगे। राइट हैंड में हम क्या पकड़ेंगे? लीवर को पकड़ेंगे। लीवर को ऊपर से पकड़ेंगे या नीचे से पकड़ेंगे? अगर ऊपर से पकड़ेंगे तो हम उसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो उसके पहले ही एम से पहले अगर हम लोग उसको दबाते हैं तो क्या होगा? पाउडर कहीं पे जाएगी? नीचे जाएगी। इसके लिए हमको ऊपर से नहीं नीचे से पकड़ना है और इसको एम करना है। एम द बेस ऑफ फायर। बेस का मतलब क्या है? एम द बेस ऑफ फायर, बेस का मतलब टारगेट, जहाँ पे लगी है, जहाँ पे आग लगी है उसके बेस को, यानी नीचे की तरफ जहाँ से आग की शुरुआत हुई है
वहाँ पे हम लोग भैंस को मारेंगे, यानी जिसको लगी हुई आग, आग लगने के बाद उसका फ्लेम ऊपर तक चला जाता है। बड़ी आग लगती है तो इतना इतना ऊपर फ्लेम चला जाता है, मगर हम ऊपर अगर मारेंगे तो क्या होगा, आग तो नीचे लगी है क्योंकि फ्यूल को हमको बुझाना होता है। तो फ्यूल को हम क्या करेंगे, लक्ष्य करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर, ये निशाना हमने कर दिया। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, तीसरा अल्फाबेट क्या है, एस, एस फॉर, एस फॉर स्क्वीज, ये लीवर को क्या करेंगे, दबाएंगे, स्क्वीज द लीवर, ये लीवर को बाद में हम दबाएंगे। हाँ, कैसे दबाएंगे, इसको इस तरह से राइट हैंड से ऊपर से जो हमने थंब पकड़ा है उसको हम प्रेस करेंगे और स्क्वीज द लीवर, यानी कहाँ पे आग जहाँ पे लगी इसके अंदर प्रेशर होता है, आप देख सकते हो प्रेशर है क्या, रेड पे चला जा रहा है यानी प्रेशर कम हुआ है। ये प्रेशर गेज से पता चलता है, अगर ग्रीन पे है तो इसके अंदर बराबर प्रेशर है, जिससे ये पाउडर बाहर निकलेगी तो कितना फुट लंबा गिरेगी, 4 से 5 फुट लंबा प्रेशर से ये पाउडर गिरेगी। तो हमको क्या करना है, उससे लंबा रहना है, बराबर लंबा रहे कि हमको क्या करना है, ये पाउडर को उसके ऊपर छोड़ना है, बेस के ऊपर छोड़ना है, यानी पाउडर अगर थम जाएगी, उसके ऊपर थम जाएगी तो क्या होगा, ब्लैंकेटिंग तैयार हो जाता है, क्या होता है, ब्लैंकेटिंग तैयार हो जाता है, तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। बराबर, फिर क्या करेंगे हम लोग, स्क्वीज द लीवर और स्वीप होज पाइप साइड बाय साइड, समझ गए, लेफ्ट राइट हमको क्या करना है, घुमाना है, मगर ये करने से पहले हमको क्या करना होगा, हवा की दिशा को देखना होगा। अभी अगर ओपन में आग लगी है तो हवा कहाँ से आ रही है, पीछे से अगर आ रही है तो ठीक है, तो पीछे हम उसको पीठ दिखाएंगे और यहाँ पे आग लगी है तो हम उसको ऊपर निशाना लगाएंगे, मगर यहाँ से आग आ रही है, यहाँ से हवा आ रही है और हम यहाँ से मारेंगे तो क्या होगा, हाँ, पाउडर हमारे ही ऊपर आ जाएगी। इसके लिए हमको हवा की दिशा देखना है और वो हिसाब से हमको, अगर हवा की दिशा पीछे से है तो हम उसको पीठ दिखाएंगे और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग को बुझाएंगे। बराबर, समझ गए सब लोग, आप लोग को ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अभी हम आपको बताएंगे ये BC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें भी पाउडर है, ड्राई केमिकल पाउडर होता है, क्या होता है, ड्राई केमिकल पाउडर होता है। बराबर, ये जो होज पाइप है, बराबर ये होज पाइप को इस तरह से आपको पकड़ना है, सेम पोजीशन है, यहाँ पे आपको सील को तोड़ना है। बराबर, पुल द सेफ्टी पिन, यहाँ पे पिन नहीं है, क्या है, कौन सा पिन, वन ये अलग से पिन है खींचने के लिए, पुल, एक तो ये लॉक है, इसको लॉक बोलते हैं, इसको सील को तोड़ेंगे और इसको खींचेंगे, क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, पुल द सेफ्टी पिन हुआ, एम द बेस ऑफ फायर। अभी इसको प्रेस कैसे करेंगे, स्क्वीज द लीवर कैसे करेंगे, तो स्क्वीज नहीं कर रहे हम लोग, क्या करेंगे, प्रेस द, ये जो बटन है इसको हम प्रेस इस तरह से करेंगे ताकि जब ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी तो लॉक है, बराबर कि नहीं, लॉक है, उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रेस नीचे तक नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा, इसके अंदर जो कार्टेज है, क्या है, कार्टेज जो है उसको ब्रेक होगा और इसके अंदर से क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगा। तो आप समझो इसको, अगर आपके सामने इस तरह से का फायर एक्सटिंग्विशर आता है तो हमको इसको प्रेस करना होता है, क्या करना होता है, जोर से प्रेस करेंगे तब जाके अंदर से टूटेगा, फिर बाद में प्रेशर से पाउडर निकलेगी, लेकिन उसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, ताकत होना चाहिए जिससे हम उसको प्रेस करेंगे, समझ गए, प्रेस करेंगे, लेकिन पहले पुल द ये सेफ्टी पिन हम निकालेंगे, सील को तोड़ेंगे पहले, फिर एम द बेस ऑफ फायर, प्रेस द बटन और फिर बाद में स्क्वीज होज पाइप साइड बाय साइड, साइड बाय साइड हम इसको क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, ये CO2, कौन सा है, CO2 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर पेट्रोल डीजल केरोसिन के लिए है, गैस की आग बुझाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए ये हमारा, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है हमारा, ये
CO2 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका पिन निकल के देख देख रहे। ये जो सेफ्टी पिन है बराबर, इसको हमने तार से नहीं बांधा है बराबर कि नहीं। ये अभी किसके वजह से हिलने के बाद, ये होने के बाद क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ। हमारा सेफ्टी पिन हमेशा सेफ्टी रहना चाहिए। अगर कुछ भी यहाँ पे से गिरता है फायर एक्सटिंग्विशर, तो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर को ये पिन निकालना नहीं चाहिए। अभी ये पिन निकलने के बाद क्या होगा, इसके यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है, अभी ये आपने देखा रहेगा, आपको पता चला रहेगा कि इसके अंदर जो CO2 है वो निकल रहा है क्या, फिर ये सेफ है कि नहीं। हाँ क्या हुआ इसमें, ये पहले से ऑलरेडी ख़त्म कैसे हुआ वो, हाँ कुछ भी नहीं निकला इसमें से, क्या नहीं, क्यों नहीं निकला, क्योंकि सेफ्टी पिन निकला, निकल के रखा था मालूम नहीं, सील नहीं था जब ही आया तभी, तो सामने वाले ने हमको क्या किया है, हाँ देखा ना, मैंने बोला था ना तभी, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर जब आए थे तब उसमें से कहीं फायर एक्सटिंग्विशर को कहीं क्या पूरे CO2 को मेरे ख्याल से ये पिन लगा हुआ था, पिन नहीं था, पिन नहीं था, और फिर बाद में उसको सील नहीं था, ये जो सील है ये सील भी नहीं था, लगा हुआ था, तो ये कंपनी की तरफ से गारंटी भी नहीं है। मैंने जब खोला आपके सामने ओपन किया बराबर, तभी हमको क्या पता चला कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। वेट उड़ गया क्या, उसमें था कि नहीं वो भी नहीं पता। तो ये चीज़ें हैं, अगर हम लोग सेफ्टी, अगर इसका सेफ्टी अगर हम लोग लिए होते तो ये हमें पता चलता कि गारंटी लेगी, मगर इसको सील ही नहीं था, उसके अंदर गैस भी भरा था नहीं था वो भी नहीं पता। अभी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है बराबर, हमने खोला ही नहीं था, आपने खोला नहीं था, इसका ये एड्रेस मालूम ही नहीं हमको, पता ही नहीं चल, जब ओपन किया तब वॉल ओपन करने के बाद पता चलता है इसके अंदर प्रेशर है। अभी इसके अंदर CO2 नहीं, जब तक हम लोग खोलते नहीं है, पूरा ओपन नहीं करते तो भी नहीं पता चलेगा। ये हमारे लिए क्या हुआ, धोखा हुआ। जब आग लगेगी तब हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या हुआ ही नहीं ना, समझ गए। इसमें से वॉल ओपन करने का, ये पिन निकलने के बाद ये पिन ये सील को लगा हुआ रहता है बराबर कि नहीं। अभी इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर इसका सील नहीं टूटा, मगर इसका प्रेशर ग्रीन तक है, तो इसके अंदर प्रेशर है। अभी ये तो आधा रेड पे चला गया, मगर इसका गारंटी हम लोग कंपनी भी देगी नहीं देगी मालूम नहीं, मगर ये हमारे लिए परेशानी की बात है, समझ गए। तो ये हमारा अगर अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर होता तो ये कम से कम ये सील टूटने के बाद, अगर मैं वॉल, ये वॉल को किस तरह से घुमाना है, राउंड द क्लॉक, जिस तरह से मैंने घुमाया है राउंड द क्लॉक, इसमें से थोड़ा भी प्रेशर बाहर नहीं निकला, ना कुछ गैस निकला, ना कुछ नहीं निकला, तो ये हमारे लिए नुकसान की बात है, समझ गए सब लोग, समझ रहे हो। जब भी हमने रिसीव किया तभी हमने सिर्फ क्या किया, एंट्री किया बस आ गया, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। इसका हमको अभी रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, चेक ऐसे करना पड़ेगा कि थोड़ा थोड़ा वॉल ओपन करके देखना पड़ेगा कि सब जगह पे यही हाल है या सही है, ठीक है। सबको सब समझ में आया, ये फायर एक्सटिंग्विशर होने के बाद भी हम लोग आग को नहीं बुझा सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, क्या नहीं है, हाँ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का गैस नहीं है, जिससे हम लोग आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। सबको सब समझ में आया, हीट ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीज़ें एक साथ आती है तब आग लगती है बराबर, और इन तीन चीज़ों में से अगर हीट को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे, क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, यानी पानी से आग को बुझा देंगे, यानी हीट से कूलिंग करेंगे। और ऑक्सीजन को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग ब्लैंकेटिंग करेंगे बराबर।